फिरोजाबाद से है। शासन ने नगर में की बड़ी कार्रवाई, अवैध कार्यों में कमाई संपत्ति को किया कुर्क। प्रशासन ने नगर में एक गैंगस्टर के आरोपी के खिलाफ 14 एक्ट की कार्रवाई करते हुए उसकी चल अचल संपत्ति को कुर्क किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई SDM शिव ध्यान पांडे और CO कमलेश कुमार तथा राजस्व निरीक्षक लल्लू सिंह की देख रेख में की गयी। मोहल्ला रुकनपुर में शकील नाम के व्यक्ति के खिलाफ थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई भी की, जिसके बाद प्रशासन ने उसके खिलाफ 14 एक की कार्रवाई करते हुए उसे नोटिस भेजा। उप जिलाधिकारी निर्देश में CO के साथ बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई की गई। हालांकि इस दौरान किसी तरह का कोई विरोध नहीं हुआ, मकान और प्लाट को सीज कर दिया है। इस दौरान घर में मौजूद महिलाओं को बाहर निकाल दिया और मकान में ताला लगाकर सीज कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार ने माइक पर मुनादी कर सभी लोगों से कहा कि इस मकान को अवैध रूप से कमाई करके बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने सीज किया है। मकान के साथ ही 4 वाहन भी हैं, जिसमें बाइक और 4 पहिया वाहन शामिल है। आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभियुक्त सचिन मास्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें आदेश दिनांक 12/10/22 का है। कुल संपत्ति का मूल्य 90,65,046 रुपए है, जिसके रिसीवर पर श्रीमान जिलाधिकारी सिकोहाबाद महोदय रहेंगे। ये आपको अवगत कराना है, अभियुक्त सचिन मास्टर के विरुद्ध थाना सिकोहाबाद पर विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज करके जिनकी संपत्ति को 14A अंतर्गत गिरोह एवं सामाजिक क्रियाकलाप अपराध अधिनियम के अंतर्गत श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुर्क किया गया। न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट ने उसे 14A गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 12/10/22 के अनुपालन में सरकार नाम शकील मास्टर, यानी अभियुक्त जो है शकील मास्टर सनाब अब्दुल खालिक निवासी रुकनपुरा की 90,65,046 रुपये की जो चल व अचल संपत्ति है उसको मेरे द्वारा एवं क्षेत्राधिकारी सिकोहाबाद एवं थाना सिकोहाबाद की पुलिस टीम के द्वारा आदेश के अनुपालन में कुर्क किया गया, जिसमें 6 अचल संपत्ति हैं एवं 4 चल संपत्ति। सब कहाँ कहाँ पर हैं सर संपत्तियाँ? सभी अचल संपत्तियाँ जो 6 हैं वो लगभग एक ही जगह क्रमशः हैं, उन्हें वहाँ कुर्क कर लिया गया है। वाहन भी सभी जो है मंगा करके थाने पर। देखिए, जनपद फिरोजाबाद में माफियाओं के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। इसमें हम लोगों ने कई माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई की है, संपत्ति कुर्क की है। इसी अभियान के तहत थाना सिकोहाबाद का एक गैंगस्टर है जिसका नाम शकील मास्टर है, उसके खिलाफ लगभग 11-12 मुकदमे थे और इन्होंने गैंग बना करके चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी। इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई की गई और उसी के तहत लगभग 91 लाख की प्रॉपर्टी चल अचल दोनों ही हम लोगों ने कुर्क की है और इसमें इस माफिया के विरुद्ध अन्य जो वैधानिक कार्रवाई है वो लगातार की जा रही है। आज श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार अभियुक्त सचिन मास्टर की संपत्ति को कुर्क किया गया है, जिसमें आदेश दिनांक 12/10/22 का है। कुल संपत्ति का मूल्य 90,65,046 रुपए है, जिसके रिसीवर पर श्रीमान जिलाधिकारी सिकोहाबाद महोदय रहेंगे। ये आपको अवगत कराना है, अभियुक्त शकील मास्टर के विरुद्ध थाना सिकोहाबाद पर विभिन्न धाराओं में अभियोग दर्ज करके जिनकी संपत्ति को 14A अंतर्गत गिरोह एवं सामाजिक क्रियाकलाप अपराध अधिनियम के अंतर्गत द्वारा किया गया। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, जन कल्याण न्यूज़।